नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके CHS क्लास 9th का एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ। सेंट्रल हिंदू स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का एग्ज़ाम दोस्तों कुछ ही दिन पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न करवाया गया दोस्तों। तो उसी के रिगार्डिंग दोस्तों आपको इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कटअप बताने वाला हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड कटअप जा सकते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम का। दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर के तुलना में इस ईयर का पेपर दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी आया था। क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं पूछे गए थे। एग्जाम में दोस्तों टोटल 5 कैटेगरी से प्रश्न पूछे गए थे, जनरल साइंस से, हिंदी से, GK और करंट अफेयर्स से, मैथ से और इंग्लिश से। इन सारे सेक्शन का क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर GK और करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछे दोस्तों तो सीधा सीधा स्टैटिक GK का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो दोस्तों इस प्रीवियस ईयर के कटअप और पेपर को देखते हुए और इस ईयर के पेपर को देखते हुए दोस्तों इस एक्सपेक्टेड कटअप मेरे अनुसार जो जा सकता है दोस्तों, ये जनरल के लिए आपका 70 से 72 मार्क्स के आसपास रह सकता है दोस्तों। और अगर बात करें OBC का तो OBC के 65 से 67 के बीच में रह सकता है। और दोस्तों अगर बात करें SC कैटेगरी का तो 60 से 62 के आसपास रह सकता है दोस्तों। और आपका ST कैटेगरी वाले का कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप मेरे अनुसार दोस्तों 54 से 56 के आसपास रह सकता है दोस्तों। इस मार्क्स जो कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप मार्क्स आपको बताया दोस्तों, इसमें प्लस माइनस 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये कटअप, एक्सपेक्टेड कटअप रह सकता है दोस्तों सेंट्रल हिंदू स्कूल इंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 का, जो कुछ दिन पहले ही इसका एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है दोस्तों। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताएं दोस्तों कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं दोस्तों। ये क्लास 9th के लिए एक्सपेक्टेड कटअप था। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।